देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल एग्जाम दी भाई। आज बात करेंगे हम BPSC जो एग्जाम है, टीचिंग एग्जाम, उसके लिए जो ये हिस्ट्री क्लास है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली क्लास है, और ये जी की क्लास है, जी के अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, खासकर स्पेसिक, तो ये टॉपिक वाइज लेके आएंगे हम इसे सारी चीजें। अगर वीडियो अच्छी लगती है वीडियो को लाइक और शेयर करना है। PDF आपकी टेलीग्राम ग्रुप पे दे दी जाएगी। छोटी सी क्लास है क्योंकि पहले ही से इसके लिए सारी चीजें तैयार कर ली है जिससे आपका कम टाइम में ज्यादा चीजें सीख सके, हमारा जो ये उद्देश्य है। तो फर्स्ट ऑप्शन है, फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है भाई, नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने नमक बनाने के अलावा किस कर का विरोध कर सरकार का विरोध करना चुना? तो ए ऑप्शन में चौकीदारी, बी ऑप्शन में हाथी, सी में विकास, डी में मलबा। तो इस चौकीदारी का जो इसमें अपोज किया गया था, तो दांडी यात्रा, तो ये जो 12 मार्च से 6 मार्च तक चली, 6 अप्रैल तक चली थी, मध्य प्रांत कर्नाटक महाराष्ट्र इसमें जो वन्य ये जिसको बोलते हैं, तो ये सारी चीजें यहाँ से पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दो है, बिहार सोशलिस्ट पार्टी का जन्म 1934 में किसके इसके सचिव के साथ हुआ था? तो ए ऑप्शन हमारे आचार्य नरेंद्र देव, बी ऑप्शन हमारे जयप्रकाश नारायण, सी ऑप्शन हमारा रामवृक्ष बेनीपुरी, और डी हमारा जो कर्पूरी ठाकुर। तो भाई इसमें भाई बी इज द करेक्ट आंसर है, तो जयप्रकाश नारायण 1934 में पटना जयप्रकाश नारायण, और जो गंगा शरण सिंह और रामवृक्ष बेनीपुरी ये प्रथम अध्यक्ष थे आचार्य नरेंद्र देव जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर तीन है भाई, देखो इसके साथ साथ कई क्वेश्चन आप कवर हो रहे हैं आपके। 1922-1923 में मुंगेर किसान सभा का आयोजन किसने किया? ए ऑप्शन में स्वामी सहजानंद सरस्वती, बी ऑप्शन में श्री कृष्ण, सी में हमारे मोहम्मद जुबे, डी में हजार के एन सिंह ने। तो भाई इसमें आ जाएगा हमारा जो श्री कृष्ण मोहम्मद जुबेर इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, बिहार में तीन कठिया प्रणाली नील की खेती के लिए कितनी भूमि आरक्षित जानी जाती थी? ए ऑप्शन हमारा जो 3/10, बी में 3/20, सी में आ जाएगा 3/30, डी में आ जाएगा 3/40। तो बी इज द करेक्ट आंसर है, 3/20 इज द करेक्ट आंसर है, और ये प्राकृतिक नील की खेती करना अनिवार्य है, 19वीं शताब्दी में अंतिम दशक है, जर्मनी कृत्रिम डाई की खोज की थी इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 5, बिहार की चुनी हुई सरकार फरवरी 1938 में किस कारण से इस्तीफा दिया? ए ऑप्शन में युद्ध में भारत की भागीदारी, बी ऑप्शन हमारा गांधी के आह्वान पर अंग्रेजों के खिलाफ सत्याग्रह, सी ऑप्शन हमारा जो अंग्रेजों द्वारा लगाए जाए जो उच्च कर, और डी हमारे राजनीतिक कैदियों की रिहाई। तो राजनीतिक कैदियों की रिहाई इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है भाई, निम्नलिखित में से कौन चंपारण सत्याग्रह से संबंधित नहीं था? तो ए ऑप्शन हमारे राजेंद्र प्रसाद, बी ऑप्शन हमारा अनुग्रह नारायण सिंह, सी ऑप्शन हमारा जेबी कृपनाली, डी ऑप्शन हमारा जो जयप्रकाश नारायण। तो जयप्रकाश नारायण इज द करेक्ट आंसर है। 1942 की बात है, 1917 में जो क्या हुआ था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और गांधी जी जेबी कृपनाली सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह, नीलगनी तीन गठिया प्रणाली पत्थी के विरोध जो कौन कौन थे, नरिहार, पालवीर और महादेव देसाई, ये सारी चीज थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, बिहार प्रांतीय सभा किसान सभा गठन किसने किया था? ए ऑप्शन में स्वामी सहजानंद सरस्वती, बी ऑप्शन में राम सुंदर सिंह, सी ऑप्शन में गंगा शरण सिन्हा, और डी माजा रामानंद मिश्रा। तो स्वामी सहजानंद सरस्वती इज द करेक्ट आंसर है। 1929 में तो सोनपुर मेला लगता है यहाँ पे सारण जिला में, और जो सहजानंद सरस्वती और किसान सभा 1933 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, पटना में स्थित सदाकत आश्रम निर्माण किसने करवाया था? ए ऑप्शन में अनुग्रह नारायण सिंह, बी ऑप्शन में महात्मा गांधी, और सी में ऑप्शन है महजरुल हक में, और डी ऑप्शन में सचिदानंद सिन्हा। तो भाई इस चीज का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में किसानों का नेतृत्व किसने किया था? ए ऑप्शन में स्वामी विद्यानंद जी ने, बी ऑप्शन में राजकुमार शुक्ला ने, डी ऑप्शन हमारा श्री कृष्ण सिंह ने, और डी हमारा जेबी सेन ने। तो भाई राजकुमार शुक्ला ने 1900 तो इसमें स्वामी विद्यानंद जी ने किया था ये, तो और जो राजमोहन कुमार शुक्ला से संबंधित 1917 से, और ये हमारा ये श्री कृष्ण जो 1922-1923। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 हमारा, बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रथम अध्यक्ष कौन था? ए ऑप्शन में सचिनंद सिन्हा, बी ऑप्शन में हसन इमाम, और सी में आ जाएगा जयप्रकाश नारायण, और डी में आ जाएगा राजेंद्र प्रसाद। तो भाई इसमें आ जाएगा हसन इमाम इज द करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 है, 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की स्थापना किसने की थी? ए ऑप्शन में रेवती नाग ने, बी ऑप्शन हमारे जदुनाथ सरकार ने, सी ऑप्शन हमारे सचिंद्र नाथ सान्याल ने, और डी ऑप्शन में महजूल हक ने। तो भाई सी इज द करेक्ट आंसर है इसमें। अच्छा, अनुशील जो समिति जो एक क्रांति संगठन था, ये काकोली घटना जो ये हमारी इसके जो ये बंदी जीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है,
बिहार के किसके नेतृत्व में सर्वाधिक दिल्ली दल ने जो साइमन कमीशन का आविष्कार किया था? ए ऑप्शन में अनुग्रह सिन्हा, बी ऑप्शन में रामेश्वर बेनपुरी, सी में हो जाए फणीश्वर नाथ रेणु और डी ऑप्शन में आ जाए राजेंद्र प्रसाद। तो अनुग्रह नारायण सिंह नजदीक करेक्ट आंसर। 1927-1928 में क्या हो रहा विरोध किया था, एक जो इसमें कोई क्यों था इसके 27 में बना था, 1928 में आया था ये, इसका कोई भी इसमें एक भी भारतीय नहीं था इसके लिए इसका विरोध किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है भाई हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था? ए ऑप्शन में हमारा कितना 27वां पूछ रहा है, तो भागलपुर, बी ऑप्शन है पटना, सी ऑप्शन में हमारा जो रांची और डी में आ जाएगा बाकीपुर। तो बाकीपुर कहाँ है ये जो, ये पटना में आर एन जो माधोलकर ने इसके जो अध्यक्षता। नेक्स्ट क्वेश्चन में 15 है, खिलाफत आंदोलन के दौरान किसने जो शमसुल उलेमा की उपाधि दी थी? ए ऑप्शन में हसन इमाम, बी में आ जाएगा शाह बदरुद्दीन, डी सी में आ जाएगा महजुल हक और डी में आ जाएगा नूरुल हसन। तो भाई जो शाह बदरुद्दीन इज द करेक्ट आंसर है बी। तो ये देखो 15 क्वेश्चन है। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। PDF आपके टेलीग्राम ग्रुप है जो आपका एग्जाम दीप ग्रुप के नाम से, उस पर जाके से ले सकते हैं, इसने नहीं लिए। और वीडियो को ज़्यादा लाइक और शेयर करना है। क्लास सबको